नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद ग्रेजुएशन करना ठीक होगा या नहीं, पॉलिटेक्निक करने के बाद ग्रेजुएशन आपके लिए कितना बेहतर होगा या नहीं होगा, इस बात को आपको बताएंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद ग्रेजुएशन करें या नहीं। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जेई लेवल की कोई भी फॉर्म है, जेई लेवल का कोई फॉर्म आता है उसको आप एलिजिबल हैं, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो जेई की वैकेंसी आती है ये बहुत ही सीमित आती है, इसमें सीटें 2000, 1000, 500, 250, 260 इससे ज़्यादा जेई की सीटें नहीं आती हैं, वो भी एक एक दो दो साल के गैप पे आती हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए डिप्लोमा के थ्रू, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है पॉलिटेक्निक के बाद। लेकिन हर लगभग जितने स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में ये होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो दोस्तों ऐसे में ग्रेजुएशन करना आपके लिए हर हाल में बेहतर होगा, हर हाल में आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरने के मौके मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियाँ हैं वो ग्रेजुएशन बेसिस होती हैं, यानी ग्रेजुएशन के बेस पर ही आती हैं, और पॉलिटेक्निक के बेस पर जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं वो बड़ी सीमित आती हैं। तो ऐसे में ये आवश्यकता बन जाती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको करना है तो आपके लिए ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, और ग्रेजुएशन हर हाल में आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ग्रेजुएशन अगर करना भी है तो ग्रेजुएशन में क्या करें, बीए करें, बीएससी करें या फिर बीटेक करें। तो दोस्तों जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद वो प्राइवेट क्षेत्र में अपना, यानी प्राइवेट सेक्टर में अपना पैर जमाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अपना कैरियर प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। बीटेक प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि टेक्निकल डिग्री आपके लिए होना जरूरी है, तभी आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, वरना बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपको डिग्री होना जरूरी है। पॉलिटेक्निक के बेसिस पे एक लेवल तक ही पहुंच पाएंगे, उससे बाद प्रमोशन करने के लिए प्राइवेट जॉब में आपको बीटेक की डिग्री होना जरूरी है। और बीटेक करने के बाद आप प्राइवेट जॉब के साथ साथ ऐसे कोई भी फॉर्म जो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म आता है जो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, आप बीटेक करके उसके लिए एलिजिबल होंगे, आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीटेक करने के बाद आप बीएड बीटीसी करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, यानी बीटेक आपको डबल फायदा देगा, प्राइवेट जॉब के लिए भी ऑप्शन आपके लिए बेहतर होंगे, और प्लस बीटेक के बेसिस पे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह भी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक नहीं करना चाहते हैं या इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि बीटेक कर पाए, या वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं इतने महंगे कोर्स करने के लिए, या तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा कि वो बीए कर लें। दोस्तों बीए करने के बाद भी आप वो सारे फॉर्म भर पाएंगे जो बीटेक करने के बाद भर सकते हैं, टेक्निकल लेवल के फॉर्म को छोड़ के बाकी ऐसे जितने ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं, जिन जो नौकरियों के सरकारी नौकरियों के ग्रेजुएशन लेवल के जो फॉर्म आते हैं वो सारे आप बीए के बाद भी भर सकते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी या यूपीएससी के बाद आप एसएससी लेवल के जो ग्रेजुएशन के फॉर्म आते हैं, बैंकिंग के जो फॉर्म आते हैं, या टीचिंग लाइन में बीएड बीटीसी करने के बाद आप जा सकते हैं बीए करने के बाद भी। तो ऐसे जितने स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लग गए हैं, वो चाहें तो अपना अलग से ग्रेजुएशन बीए में कर सकते हैं, और आसानी से बीए को क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि बीटेक करेंगे तो बीटेक के लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा, लेकिन बीए आप कम समय देके बीए को, आप बीए की डिग्री को आप पा सकते हैं और उसको अच्छा यूज कर सकते हैं अपने कैरियर बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आपके ट्वेल्थ में स्टैंडर्ड अच्छा है, आपने ट्वेल्थ पीसीएम से किया हुआ है, बढ़िया स्टैंडर्ड है आपको, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में पकड़ अच्छी है, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी के भी काफी स्कोप है, ये भी एक डिग्री है, इससे भी आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के गवर्नमेंट फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड बीटीसी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, प्लस बीएससी थोड़ा बीए से और इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, थोड़ी आपकी वैल्यू भी अपग्रेड हो जाती है, और बीएससी करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्लस इसके साथ भी और बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं हों, आपके पकड़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छी ना हो, तो बीएससी में कतई ना जाएं, क्योंकि सारा कोर्स इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके पेपर भी आपको इंग्लिश में देने पड़ेंगे, और साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई है थोड़ी लेंदी होती है, तो अगर आपकी बेसिक पकड़ अच्छी है तभी बीएससी करें, वरना आपके लिए बीए बेहतर विकल्प होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
ताकि वाईफाई नॉलेज बढ़ के ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।